और यू जहाँ पे झरने के पास थे वहाँ पे सॉन्ग वाला पहुँच गया। वो यू का पैर चेक करता है और कहता है, अपने टोस को थोड़ा हिलाने की कोशिश करो, तुम्हारे बोन्स तो एकदम सही लग रहे हैं, जल्दी मेरी पीठ पे आ जाओ। यू चौंक गया कि नहीं, तुम्हारी बैक तो इंजर्ड है। उसे डर था कि सॉन्ग वाला के खाफ फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर वो मुझे घर तक कैरी करके जाएगा तो उसे दूसरी इंजरी होने का रिस्क है। तो वो सॉन्ग वाला को कहता है, ये कैसा रहेगा, तुम पहले मोमो को अपने साथ घर ले जाओ, फिर किसी को मुझे लेने के लिए भेजना। सॉन्ग वाला उठ गया और उसकी ओर देख के कहता है, तुम इतने ज्यादा मुश्किलें क्यों पैदा कर रहे हो, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, मैं तुम्हें घर तक कैरी करके ले जाऊँ या फिर तुम खुद घर तक रेंट पे आओ, तो बताओ मुझे तुम्हारी चॉइस क्या है। सॉन्ग वाला ने उसे दो ऑप्शन दिए लेकिन उसमें चॉइस बनाने जैसा कुछ था ही नहीं। यू साय करता है और कहता है, तो फिर तुम्हें परेशान करने के लिए आई एम सॉरी, और वो सॉन्ग वाला की पीठ पे आ गया। उसने नोटिस किया कि सॉन्ग वाला को दर्द हो रहा है, तो वो पूछता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन सॉन्ग वाला कहता है, माइंड योर ओन बिजनेस, और वो मोमो को कहता है, मेरे पीछे पीछे ही चलना और इधर उधर मत घूमना। तो फिर मोमो चुपचाप उसका स्लीव पकड़ के चल रहा था। यू ने नोटिस किया कि मोमो को इतना तेज चलने में दिक्कत आ रही है, तो वो कहता है, तुम्हें धीरे चलना चाहिए, मोमो इतना तेज नहीं चल पा रहा है। सॉन्ग वाला स्लोली चलने लगा तो मोमो खुश हो गया। यू सोचता है, इतना आराम मिले ऐसी मोमेंट तो रेयरली एक्सपीरियंस करने मिलती है, चोट लगी है फिर भी मुझे खुशी महसूस हो रही है। फिर वो लोग घर पहुंच गए और मोमो कहता है, देखो हम घर पहुंच गए। यू कहता है, थैंक यू, और वो बाकी का मन में बोलता है, हमें रेस्क्यू करने आने के लिए थैंक यू, और मुझे घर तक कैरी करने के लिए भी थैंक यू। सॉन्ग वाला कहता है, मुझे बस सॉन्ग मो के बारे में चिंता हो रही थी, और तुम्हें जो मैं घर तक कैरी करके लाया हूँ वो मैं बस फेवर रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि पहले तुमने मेरी देखभाल की थी, इसलिए ये मत सोचना कि जो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ वो बदल जाएगा। यू को गुस्सा आया तो वो सॉन्ग वाला को टाइटली पकड़ लेता है। सॉन्ग वाला की पीठ पर जो घाव है उसकी वजह से उसे दर्द होने लगा, तो वो कहता है, इधर उधर हिलना बंद करो। यू कहता है, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हारी और इसलिए नाइस नहीं बन रहा हूँ कि मैं तुमसे कुछ उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम भी मुझे नाइसली ट्रीट करने लगो। फिर घर में अंदर जाने के बाद यू के पैर को ट्रीट करना था तो लुओ मैंगबाई को जगाया गया। मैंगबाई आती है और कहती है, क्या तुम लोगों को ये पता भी है कि कल रात मैं कितनी देर से सोई थी, मुझे पूरी रात एक जर्नल आर्टिकल लिखने बिठा दिया और इतनी सुबह सुबह मुझे जगा दिया, क्या इसके रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा या नहीं। हर रोज सॉन्ग वाला का ड्रेसिंग चेंज करना होता है तो इसलिए कुछ दिनों से लुओ मैंगबाई यहाँ पर ही रह रही है। सॉन्ग वाला कहता है, नेक्स्ट रिसर्च के लिए मैं फंड जमा कर दूंगा। मैंगबाई हंसी हुई कहती है, कजिन मैं तो मजाक कर रही हूँ, मैं एक टाइप ए ब्लड हूँ, मैं उस टाइप ओ ब्लड की तरह ही कोमल और वीक नहीं हूँ, मुझे ऐसी हेल्प की जरूरत नहीं है। और फिर वो यू के पैर को चेक करने लगी और वो कहती है, वेल तुम्हारे बोन्स तो एकदम ठीक ठाक है लेकिन तुम्हारे एंकल में थोड़ी सी मोच आ गई है। और वो जियो आंटी को कहती है, जियो आंटी क्या आपके पास अब भी वो ऑइंटमेंट है जो वाला यूज करता है, वही ला दीजिए। जियो आंटी कहती है, ओ हाँ वो अभी मेरे पास है। फिर मैंगबाई यू के पैर पर वो दवाई लगाती है कि इसे थोड़ा दर्द होगा, प्लीज इसे सहन कर लेना। यू को दर्द हो रहा था तो मोमो उसे देख के बहुत परेशान हो रहा था। यू उसकी ओर फोर्सफुली स्माइल करता है और कहता है, डरो मत, इससे इतना भी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन सॉन्ग वाला कहता है, बता दो क्यों उसे दर्द हो रहा है, तुम उसे झूठ क्यों बोल रहे हो कि इसे दर्द नहीं हो रहा है। सॉन्ग मो यहाँ पे आओ, देखो तुम जब भी चलो तब तुम्हें केयरफुल होने की जरूरत है, नहीं तो लुओ मैंगबाई उस बदबूदार दवाई से तुम्हारे पैर को बहुत ही हार्डली मसाज करेगी। मैंगबाई का ध्यान उस पे चला गया और उसने यू के पैर को हार्डली मसाज कर दिया तो यू को दर्द हुआ। मैंगबाई उसे माफी मांगती है कि आई एम सॉरी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। सॉन्ग वाला कहता है, देखा तुमने, जब तुम्हारे एंकल में मोच आती है तब इससे डेफिनेटली बहुत दर्द होता है, और अगर हड्डी टूट जाए तो इससे भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, तुम्हें इवन सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ सकती है। मोमो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डरने लगा था। सॉन्ग वाला उसे और डरा रहा था कि तुम्हें पता है सर्जरी क्या होती है। यू उसे रोक देता है कि बंद करो ये, और वो सोचता है कि अब मुझे फाइनली पता चल गया कि सॉन्ग मो उससे इतना ज्यादा क्यों डरता है। एक 5 साल के बच्चे को कोई इस तरह से कैसे सिखा सकता है, एक छोटे बच्चे के लिए तो ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और वो जियो आंटी से कहता है, बाहर मोमो ने बहुत सारी गंदी चीजों को छुआ है तो उसके हाथों को धुलवाने के बाद फ्रिज में जो पुडिंग्स रखे है वो उसे खिला देना। तो फिर जियो आंटी मोमो को अपने साथ ले गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।